सूर्य कुमार यादव ने शतक ठोक मचाया कोहराम, सूर्या का तूफान देख कोहली सहवाग हुए गदगद। सूर्या का ऐसा तूफान, सिर झुकाने को मजबूर कप्तान, हार्दिक का भी बड़ा बयान, दुनिया हैरान। दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एबी डिविलियर्स से बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सूर्य कुमार यादव को लेकर जितना कहा जाए वो कम है, जितना लिखा जाए वो भी कम है। ये खिलाड़ी कमाल है, बवाल है, तूफान है और टीम इंडिया की जान है और T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच विनर भी है। अब ऐसे खिलाड़ी की तारीफ में कसीदे पड़े जाएं तो हर्ज क्या है, लेकिन तारीफों के पुल बांधने वालों की कतार में अगर विराट, रोहित, हार्दिक और वीरेंद्र सहवाग जैसे सितारे हो तो अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव का बल्ला अब लगातार आग उगल रहा है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में सूर्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों में 11 चौके और 6 छक्के ठोक 210 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 103 रन कूद डाले। सूर्या ने आतिशी अंदाज में अपने आईपीएल करियर की पहली सेंचुरी ठोक डाली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सूर्या की सुनामी देख क्रिकेट के बड़े से बड़े दिग्गज भी दंग रह गए और सूर्या की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। विराट कोहली ने सूर्या की बैटिंग देख इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर मराठी में लिखा, तुला मानना भाऊ, इसका मतलब होता है तुम्हें मान गया भाई। वहीं वीरेंद्र सहवाग भी सूर्या की बल्लेबाजी के मुरीद हो गए और उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 17वें ओवर की समाप्ति पर 53 नॉट आउट और 20वें ओवर तक नाबाद 103, अतुल्य सूर्य कुमार यादव, गजब बल्लेबाजी। वहीं सूर्य कुमार यादव के तूफानी शतक पर उनके अपने कप्तान रोहित शर्मा और विरोधी कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी सूर्या के तारीफों के पुल बांध दिए। रोहित ने कहा कि वो आत्मविश्वास से लबरेज हैं। मैंने जब बैटिंग के दौरान लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को बनाए रखने की बात की तो सूर्या ने खुद मुझसे आकर कहा कि बैटिंग करने मैं जाऊंगा। ये उनका कॉन्फिडेंस है जो कि हर मैच में हमारे लिए अहम भी साबित हो रहा है। वहीं गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने मुंबई से मिली हार के बाद पहले तो अपनी टीम की खामियां गिनाई, फिर कहा कि अगर ऐसे गलती करोगे तो सूर्य कुमार छोड़ेगा नहीं। मैंने सूर्य कुमार से ये कई बार कहा है कि वो T20 क्रिकेट का बेस्ट बल्लेबाज है, दुनिया में उससे खतरनाक बल्लेबाज इस समय और कोई नहीं है। आप जब उनके विरोधी होकर मैदान पर अपना प्लान नहीं अमल में लाते हो तो वो क्या हश्र करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, आपने देख भी लिया होगा। दोस्तों सूर्य कुमार जब से फॉर्म में लौटे हैं, मैदान पर तहलका मचा दिया है। सूर्या को रोक पाना नामुमकिन सा नजर आने लगा है और सूर्या एक बार फिर से चमक उठा है। उसकी चमक के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई है। दोस्तों सूर्या ने पिछली 4 पारियों में 350 और अब गुजरात के खिलाफ तूफानी शतक जड़ दिया है। ये सूर्या के T20 करियर का चौथा ही शतक है। मजेदार बात ये है कि सूर्या के ये चारों शतक पिछले 1 साल के अंदर ही आए हैं। इसमें से 3 शतक सूर्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट में जमाए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव अगले मैच में लखनऊ के खिलाफ फिर से शतक ठोक पाएगा? नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।